स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रेलवे अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर विंध्य क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर चर्चा की। बैठक में रेलवे के जीएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, श्री मनोज अग्रवाल के साथ डॉक्टर जितेंद्र जामदार, श्री आशीष दुबे व श्री प्रभात साहू उपस्थित थे। इस दौरान रीवा सिंगरौली रेल लाइन सीधी सिंगरौली के बीच रेलवे के सुदृढ़ीकरण में आ रहे अवरोध, गोविंदगढ़ और सीधी के बीच के मुद्दे, कटनी चोपन रेल डबलिंग आदि मुद्दों के साथ ही रेलवे के विस्तार में भू अधिकरण में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के लिए रीवा सिंगरौली सीधी सिंगरौली रेल लाइन एक लाइफ लाइन है, इसके साथ रेलवे के लिए भी हितकारी है और आमजन को भी इससे फायदा मिलेगा। रेलवे और एयरपोर्ट इंडस्ट्री को आकर्षित करते हैं, अतः इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएं और इस विषय को लेकर शीघ्र ही एक बैठक की जाएगी जिसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ संभागीय कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, संबंधित जिले के कलेक्टर व एसपी रहेंगे। जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा है कि बजट बहुत ही संतुलित होता है, विकास को गति देने वाला होता है, गरीबों के कल्याण का होता है, अधोसंरचना को मजबूती देने वाला होता है। तो इसलिए इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला और गरीबों को राहत देने वाला बहुत ही संतुलित बजट देश की जनता को देखने को मिलेगा। ईडी हो या सीबीआई हो, उनका काम है यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो इसको देखना, कार्रवाई करना। क्या कोई देश का नागरिक ऐसा चाहता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करते रहें और ईडी और सीबीआई मूक दर्शक बन के देखती रहे? मुझे नहीं लगता देश के किसी भी नागरिक को ये ठीक लगेगा। नहीं, वो तो सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, पिछले कई वर्षों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं भ्रष्टाचार को कुचलने के लिए लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो लोग राजनीति को धन कमाने का माध्यम समझते हैं उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। उनका कोई राजनीतिक आकर्षण नहीं है और इसलिए लोग समझते हैं कि राहुल जी के साथ जुड़ेंगे तो कोई हमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होना है, इसलिए लोग उनसे दूर हो रहे हैं। और मोदी जी चूंकि एक वर्ल्ड लीडर के रूप में डेवलप हो गए हैं अपने कार्यशैली से, अपनी ईमानदारी से, अपने समर्पण से, तो इसलिए मोदी जी की तरफ लोग जुड़ रहे हैं।